म्यूजिक। अमृत के धार केहू के तनो पियाई एगो माई बिना, कैसे करे जवा जुड़ाई हो भैया एगो माई बिना। फिरहा में नई तर्ज लगल तो दोस्तों, आपने जो स्टेटस देखा है प्रीव्यू में, इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है अलाइट मोशन। आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। अगर आपको विदाउट वाटर मार्क वाला डाउनलोड करना है तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगी, उसे देखकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में जो भी मटेरियल यूज होने वाला है, फोटो एंड वीडियो, तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर अपनी फोटो को लगाकर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में एक सॉन्ग बीट मारा दूसरा से की इफेक्ट नाम का दो लिंक मिल जाएगा, उसे आपको इनपुट कर लेना है अपने लाइट मोशन में। आप उस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक इनपुट हो जाएगा लाइट मोशन में, तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। ओके, तो ऑल राइट गाइस, आपको एक सॉन्ग बीट मारा और दूसरा से की इफेक्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देना। सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको कुछ इस तरीका से इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरीका से इंटरफेस खुल जाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप और लेयर दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप और लेयर दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इन पर फोटो को ऐड करना है। तो दोस्तों, इनमें फोटो कैसे ऐड करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर फर्स्ट में आना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर एक ग्रुप और उसके नीचे इमेज लिखे हुए लेयर दिखाई दे रहे थे, दोस्तों आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, आपको कलर फील्ड पर क्लिक करके स्टार के उस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीका से इंटरफेस खुल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर क्लिक करके अपने फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना। आप जिस भी फोल्डर में माँ दुर्गा देवी की फोटो रखेंगे तो दोस्तों, आप उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, इस तरीके से आपकी सारी फोटो ओपन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, आपको कोई भी एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपकी फोटो ऐड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, आपको ग्रुप पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पर क्लिक कर देना है। एडिट ग्रुप पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों, आपको सात लेयर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको सातों लेयर पर फोटो को ऐड करना है, अलग अलग फोटो को ऐड करना है। तो दोस्तों, फोटो को ऐसे ऐड करना है, फर्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलर स्विच पर क्लिक करके फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। फिर से नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलर स्विच पर क्लिक करके स्टार को सर क्लिक करके फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलर स्विच पर क्लिक करके स्टार को सर क्लिक करके फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको नेक्स्ट लेयर पर फोटो को ऐड करना है। तो दोस्तों, आप देखते रहिएगा, हम कंटिन्यू सभी लेयर पर फोटो को ऐड कर लेना। जैसे जैसे मैं फोटो ऐड कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप इसी तरीके से सभी लेयर पर फोटो को ऐड कर लीजिए, बहुत ही इजी एंड आसान तरीका से ऐड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, मैं सातवें लेयर पर क्लिक करना, कलर स्विच पर क्लिक करके स्टार के ऊपर क्लिक करके फिर से कोई भी फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी सातों लेयर पर फोटो ऐड हो जाएगी, जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों, हमें बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद दोस्तों, हमें इस तरीके से 1.8 पे आना है। 1.8 पे आने के बाद दोस्तों, हमारा ये जो ग्रुप छोटा हो रहा है, तो दोस्तों हमें ग्रुप पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, हमें इस घड़ी पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, ये ग्रुप है जो, तो दोस्तों सही बीट के हिसाब से ऐड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर तीन लेयर दिखाई दे रहे हैं, दोस्तों आपको दो इमेज का लेयर दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको दोनों लेयर पर फोटो को ऐड करना है। तो दोस्तों, फोटो को ऐड करने के लिए आपको इमेज के लेयर पर क्लिक करना है, कलर फील्ड पर क्लिक करके स्टार के ऑप्शन क्लिक करके कोई फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों, इस तरीके से आपकी फोटो ऐड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, आपको नीचे वाले लेयर पर क्लिक करना, कलर फील्ड पर क्लिक करके स्टार के ऑप्शन क्लिक करके फिर से कोई भी फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर भी आपकी फोटो ऐड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर चार लेयर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको इन पर कैसे फोटो ऐड करना है, तो दोस्तों आपको सबसे नीचे इमेज के लेयर पर क्लिक करना, कलर फील्ड पर क्लिक करके स्टार के ऑप्शन क्लिक करके एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों, इस तरीके से ऐड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, उसके ऊपर वाले इमेज ग्रुप टू पर क्लिक करना, एडिट ग्रुप पर क्लिक कर देना। एडिट ग्रुप पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों, आपको फिर से इमेज के लेयर पर क्लिक करना, कलर स्विच पर क्लिक करके स्टार के ऊपर क्लिक करके फिर से वही वाली फोटो को ऐड कर लेना जो आपने अभी फोटो ऐड किया है, उसको सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों, आपको प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर भी ऐड हो जाएगी। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों, आपको बैक आ जाना। बैक आ जाने फिर से आपको वहीं पर आ जाना है उसी ग्रुप पर। तो दोस्तों, इस तरीके से आ जाने के बाद दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों, हमें इमेज ग्रुप वन पर क्लिक कर देना, एडिट ग्रुप पर क्लिक कर देना। एडिट ग्रुप पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों, आपको फिर से इमेज के ग्रुप पर क्लिक करना, एडिट ग्रुप पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों, आपको फिर से दो लेयर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको इमेज के
लेयर पर क्लिक करना है, कलर स्वीप पर क्लिक करके स्टार के ऑप्शन क्लिक करके फिर से कोई भी एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरीका से यहाँ पर भी आपकी फोटो ऐड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको फिर से बैक आ जाना है। पूरी तरीके से बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको फिर से उसके आगे की ओर आ जाना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर फिर से आपको तीन लेयर दिखाई दे रहे हैं, तो दोस्तों आपको एक इमेज लिखी हुई सबसे नीचे लेयर है, तो दोस्तों आपको उस पर क्लिक करना है। कलर फिल्ड पर क्लिक करके स्टार के ऑप्शन क्लिक करके कोई भी फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर भी आपकी फोटो ऐड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको ऊपर की तरफ ग्रुप वन है, तो दोस्तों उस पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पर क्लिक कर देना। एडिट ग्रुप पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको फिर से दो लेयर मिल जाएंगे, तो दोस्तों आपको इमेज के ग्रुप पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पर क्लिक कर देना। एडिट ग्रुप पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको फिर से दो लेयर मिल जाएंगे, तो दोस्तों आपको इमेज के लेयर पर क्लिक करना है, कलर फिल्ड पर क्लिक करके स्टार के ऑप्शन क्लिक करके कोई भी एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना, और दोस्तों उसके बाद दोस्तों प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर भी आपकी फोटो ऐड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको फोटो को एडजस्ट करना है, तो दोस्तों इस तरीके से फोटो पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से फोटो को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपका फोटो ऐड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको फिर से पूरी तरीके से बैक आ जाना है। जैसे दोस्तों हम पूरी तरीके से बैक आ चुके हैं, इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर आ जाना है 8.3 पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फोटो ऐड करना है फिर से। तो दोस्तों फोटो को ऐड करने के लिए जो आपका जो एक लेयर दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा है, तो दोस्तों आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको कलर फील्ड पर क्लिक करके स्टार के ऊपर क्लिक करके कोई भी एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना है और प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर भी ऐड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप दिखाई दे रहे हैं एक लाइन से दोस्तों आपको यहाँ तक दिखाई दे रहे होंगे 13.27 तक। तो दोस्तों इन पर सभी पर फोटो को ऐड करना है, तो दोस्तों इस तरीके से इस पर क्लिक करना, कलर फील्ड पर क्लिक करके स्टार के ऊपर क्लिक करके कोई फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से आपको नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलर फील्ड पर क्लिक करके स्टार के ऊपर क्लिक करके फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से आपको नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलर फील्ड पर क्लिक करके स्टार के ऊपर क्लिक करके कोई फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ऐड कर लेना है। तो दोस्तों चलिए हम जल्दी से इन पर ऐड कर लेते हैं फोटो को, फिर उसको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। सो दोस्तों हमने इन सभी लेयर पर फोटो को ऐड कर लिया। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं हमारी फोटो यहाँ पर ऐड हो चुकी है 13.27 तक। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से इन पर ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, एक बार बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको सेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। सेक इफेक्ट पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको फिर से यहाँ पर बहुत सारे लेयर दिखाई दे रहे होंगे, तो दोस्तों आपको इन सभी लेयर को कॉपी करना है। तो दोस्तों कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको सेलेक्ट लेयर पर क्लिक करके फिर से इस वाले आइकन पर क्लिक करके आपको कॉपी 28 लेयर पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका सारा लेयर कॉपी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको फिर से सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देना। सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके आगे की ओर आ जाना है। जैसे दोस्तों हम स्क्रॉल डाउन करके आगे की ओर आ रहे हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर आ जाना है 13.27 पे। 13.27 पे आने के बाद दोस्तों उन सभी लेयर को पेस्ट करना है। तो दोस्तों पेस्ट करने के लिए इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको पेस्ट 28 लेयर पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका सारा लेयर ऐड हो जाएगा अपने बीट के हिसाब से। जैसे दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं हमारा सभी लेयर अपने बीट के हिसाब से ऐड हो चुका है। आप सभी लोग लास्ट तक देख लीजिएगा। जैसे दोस्तों आप सभी लोग लास्ट तक देख सकते हैं हमारा सभी लेयर अपने बीट के हिसाब से ऐड हो चुका है। तो दोस्तों हमें इन सभी लेयर पर फोटो को ऐड करना है। तो दोस्तों फोटो कैसे ऐड करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों फोटो को ऐड करने के लिए आपको 13.27 पे आना और फर्स्ट लेयर पर क्लिक करना है। कलर फील्ड पर क्लिक करके स्टार के ऊपर क्लिक करके कोई भी फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी फोटो ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से आपको फिर से नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलर फील्ड पर क्लिक करके स्टार के ऊपर क्लिक करके कोई फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से आपको नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलर फील्ड पर क्लिक करके स्टार के ऊपर क्लिक करके फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से आपको नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलर फील्ड पर क्लिक करके स्टार के ऊपर क्लिक करके फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से आपको नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना है, कलर फील्ड पर क्लिक करके स्टार के ऊपर क्लिक करके फोटो को सेलेक्ट कर लेना और प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको सेम प्रक्रिया करके जितने भी लेयर दिखाई दे रहे हैं, तो दोस्तों आपको इन सभी लेयर पर फोटो को ऐड कर लेना। बहुत ही ईजी एंड आसान तरीके से इन सभी लेयर पर आपकी फोटो ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों आप इस पर फोटो को ऐड कर लीजिएगा। फोटो ऐड कर लेने के बाद दोस्तों आपका ये जो स्टेटस है तो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्रिएट हो जाने के बाद दोस्तों आपको वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। तो दोस्तों एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना, तो दोस्तों आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों इसी तरीके से धमाकेदार वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको अपने मनपसंद सॉन्ग पर डीजे स्टेटस बनवाना है तो दोस्तों आप कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर से न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार।